एक बहुत ही अच्छी खबर है, शानदार खबर है, जबरदस्त न्यूज है आप लोगों के लिए। हाँ, एक भारत सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है आप लोगों के लिए, गृह मंत्रालय द्वारा, ठीक है। चलिए, नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 1,30,000 आपकी वैकेंसी आने वाली है, 1,29,929 ऐसा है, यानी कि लगभग 1,30,000। तो क्या है नोटिफिकेशन की सच्चाई, क्या सच में आने वाली है वैकेंसी, और वैकेंसी कब तक आने की संभावना है, और उसके लिए आपको तैयारी कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे लेना है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी देने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं। तो सारे बच्चे जुड़ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए देखिए, आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो आपकी बात होगी, दो सेकंड बता रहे, हाँ, आपके लिए जो बात होने वाली है, सीआरपीएफ में नई वैकेंसी आने वाली है 1,30,000, ठीक है। उसके लिए हम आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी देते हैं, पहले तो हम आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। यह भारत सरकार का राजपत्र है और यहां पे आप देखेंगे तो यह गृह मंत्रालय द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है, नई दिल्ली 5 अप्रैल 2023, यह 5 अप्रैल का नोटिफिकेशन है। और इसमें केंद्रीय सरकार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं आप लोगों को, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम आप लोगों को बता देते हैं। इस नोटिफिकेशन को हम टेलीग्राम पे भी दिला देंगे, टेलीग्राम से भी आप लोग एक बार डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, जो जानकारी यह है, तो इसके बारे में पहले हम आप लोगों को बता देते हैं। चलिए देखिए, वैकेंसी के बारे में बताई गई है, एज के बारे में बताई गई है, क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है, अगर इसको आपको ज्वाइन करना है तो आपको क्या क्या आपके पास होनी चाहिए, कौन सी योग्यता होनी चाहिए, कौन से एग्जाम आप पास होने चाहिए, हाई स्कूल इंटरमीडिएट क्या होना चाहिए, सारी डिटेल आप लोगों को डिटेल में बताने वाले हैं। देखिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आप सभी बच्चों को दिखे। देखिए यहां पर लिखा हुआ है पद का नाम, कांस्टेबल साधारण ड्यूटी, पद की संख्या, टोटल जो पद की संख्या है वह है 1,29,929 2023 की, यह बात कर रहा है इस साल का, यह कल का ही नोटिफिकेशन है, पुराना नोटिफिकेशन नहीं है, गृह मंत्रालय द्वारा आया हुआ है, ठीक है। देखिए पुरुषों के लिए है 1,25,262 और महिलाओं के लिए 4,667, यह है, यह समूह ग यानी कि ग्रुप सी की नौकरी है, समझ रहे हैं। और यहां पे आप लोग देखेंगे जो पे लेवल है, पेमेंट का जो स्तर है, ध्यान दीजिएगा, लेवल थ्री है 21,769,100। अगर बात करें हम सैलरी की बात करें तो इसमें आपकी जो सैलरी होने वाली है वो 35,000 से लेकर 40,000 तक होने वाली है, ठीक है, 35 से 40,000 की आपकी सैलरी इसमें होने वाली है। और जो इंपॉर्टेंट जानकारी है उसमें हम आप लोगों को बता दे, देखिए एज जो है आपकी आयु सीमा इसमें काउंट की जाएगी 18 से 23 वर्ष के बीच होना चाहिए, क्या 18 से 23 वर्ष के बीच होना चाहिए। अब यहां पर एक चीज और लिखा है, देखेंगे यहां पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों की दशा में 5 वर्ष और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की दशा में 3 वर्ष शिथिल की जा सकती है, मतलब कि उसमें एज रिलैक्सेशन भी दी जाने की संभावना है, वैसे दी जाती ही है तो एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिए, ये टिप्पणी 1 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे देखिएगा, आयु सीमा अवधारित, ध्यान दीजिएगा, करने के लिए निर्धारित तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग, समझ रहे हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी द्वारा विज्ञापित की जाए, ठीक है। यह क्या होगा, एसएससी के द्वारा ही वैकेंसी कराई जाएगा और उसमें आपकी जो एज है ना वो बोला जाएगा, 1-7 से काउंट होगा या 1-8 से काउंट होगा, और कब से काउंट होगा, और वो 18 से 23 के बीच में होना चाहिए। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 18 से 23 के बीच में रहने वाले हैं। गुरु जी हाइट कितना चाहिए, हाइट के बारे में तो अभी कुछ बताया नहीं गया है, जो जीडी का रहता है ना, एसएससी जीडी का, उसी को अभी मान के चला जाएगा, ठीक है, हाँ उसी को अभी क्या है मान के चला जाएगा, क्योंकि ये जीडी टाइप की ही वैकेंसी है, सीआरपीएफ की, कांस्टेबल की ही है, जनरल ड्यूटी, ठीक है। देखिए उसके बाद से यहां पे भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए दिया है इसमें आयु में छूट। उसके बाद से थोड़ी सी बात कर ले हम क्वालिफिकेशन की, यहां पे सीधी भर्ती किए जाने वाले, ध्यान दीजिए, व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक व अन्य अर्हताएं क्या होगी, यहां बोल रहा है केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समतुल्य अथवा भूतपूर्व सैनिक कर्मियों की दशा में, जो सैनिक है भूतपूर्व तो उनकी तो वहां से काउंट होती है, एज अलग लेवल से काउंट होता है, बाकी जो आप लोगों जैसे स्टूडेंट है इनकी जो क्वालिफिकेशन होगी मैट्रिक मतलब क्या, 10th पास, अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म के लिए आप क्या रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे, भर सकते हैं। तो सारे बच्चों से हम एक ही बात कहना चाहेंगे, ये 2023 हर बार हम आप लोगों को बता रहे हैं, डेली बता रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा साल है, शानदार साल है, इसमें आप लोग क्या करिए, मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, बढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा, क्यों, आपकी आप लोग देख ही रहे हैं 2024 में चुनाव है और चुनाव की वजह से गवर्नमेंट भी चाह रही है कि खूब ढेर सारा रोजगार दे दे, ताकि उस समय बताए भी तो कि रोजगार दिए हैं, ठीक है। तो ये रोजगार के लिए आप लोगों के लिए, नौकरी के लिए बहुत ही अच्छा साल है, इसमें आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस पढ़ना है, ये 2-4-6 महीने अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो 2023 में आपका नौकरी हो जाएगा, कहीं एक भी परसेंट रुकेगा नहीं, बस आप लोगों की मेहनत है। हाँ, तो इसके लिए पढ़ना क्या पड़ेगा, देखिए अभी सिलेबस के बारे में बच्चे पूछ रहे तो बता दे, देखिए अभी सिलेबस की जानकारी नहीं है, अगर एसएससी जीडी की बात मान के अगर हम चले तो आपको पढ़ना क्या है, मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, हिंदी पढ़िए या इंग्लिश पढ़िए, दोनों में एक होगा, जो भी आपके मन, यहां पर हिंदी इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए तो अभी आप लोगों को क्या करना है,
पढ़ाई स्टार्ट कर देना है। जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। हम रियली आप लोगों से ये कह रहे हैं कि पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, पढ़िए, क्योंकि इस साल में अगर आप लोग नौकरी नहीं ले रहे तो आने वाले समय में आपको नौकरी लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। नौकरी तो ले सकते हैं लेकिन मुश्किल होगा, टफ होगा, कंपटीशन आपकी हाई हो जाएगी, वैकेंसी कम रहेगी, बच्चे ज्यादा रहेंगे तो पेपर का जो लेवल होगा और जो कट ऑफ जाएगा, मेरिट जाएगा, वो हाई जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो अभी आप लोगों के लिए आसान है नौकरी लेना, तो सारे बच्चे क्या करिए, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। आप लोगों के लिए खुशखबरी है, वैकेंसी ये कब तक आएगी, ये वैकेंसी बहुत ही जल्द उम्मीद की जा रही है कि आ जाए, ये वैकेंसी उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही जल्द आ जाएगी, बस आप लोग तैयारी में लग जाइए। अभी एक सीआरपीएफ की आपकी एक वैकेंसी आई हुई है, सीआरपीएफ की जो बच्चे फॉर्म नहीं भरे भर दीजिए, ट्रेडमैन वाला, टेक्निकल एंड ट्रेडमैन की जो वैकेंसी आई हुई है 25 तक शायद उसकी डेट है फॉर्म भरने की, तो आप लोग एक दो चार दिन में उसकी फॉर्म भर दीजिए। सीआरपीएफ की एक तो आई हुई है ट्रेडमैन, ये दूसरी वैकेंसी है, ये कांस्टेबल की बात कर रहा है, ट्रेडमैन की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसकी भी आप लोग फॉर्म भर दीजिए, उसके लिए भी आप लोगों के लिए क्लासेस चल रही है ट्रेडमैन की, इसकी क्लासेस जो ही इसकी अगला जो नोटिफिकेशन आता है जो पूरा क्लियर करता है कि कब से फॉर्म भरा जाएगा क्या, तो इसके लिए भी हम लोग क्लासेस चलाएंगे। और आप सभी को पता है एसएससी मेकर यूट्यूब चैनल हो या एसएससी मेकर ऐप हो, उसमें क्लासेस हम लोग बेसिक से देते हैं, जीरो लेवल से देते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर देते हैं, और आपको 100% सिलेक्शन दिलाने की गारंटी लेते हैं और दिलाते भी है, ठीक है। तो सभी बच्चे क्या करिए, अभी सभी के सभी बच्चे एसएससी मेकर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि जो क्लासेस आप लोगों की टेक्निकल एंड ट्रेडमैन की चल रही है ऐप पे चल रही है, तो ऐप से भी जुड़ के आप लोग क्लासेस को ज्वाइन करिए। इस वैकेंसी के बारे में इतनी अपडेट रही हम आप लोगों को दे दिए, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत खुश होंगे। सारे बच्चे लग जाइए, मेहनत में लग जाइए, तैयारी में लग जाइए, पढ़ाई में लग जाइए और सिलेक्शन को अपने पक्का करिए। और जो एक लोगों आप लोगों के लिए एक जानकारी है हम आप लोगों को बता दें, सारे बच्चे को देखिए ये वैकेंसी तो आने वाली है, एक वैकेंसी आई हुई है टेक्निकल ट्रेडमैन, उसका आप लोग फॉर्म भर दीजिए। अगर अभी तक आप लोग फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म भर दीजिए, उसके लिए भी क्लासेस चल रही है एसएससी मेकर ऐप पे। किसके लिए, सीआरपीएफ जो आपकी वैकेंसी आई हुई है, ये नहीं, ये तो नहीं है, ये अभी आपकी क्या है आएगी, सीआरपीएफ टेक्निकल एंड ट्रेडमैन 2023 एग्जाम के लिए एक स्पेशल बैच एसएससी मेकर ऐप पे चलाया जा रहा है, 100% सिलेक्शन के लिए बैच चलाया जा रहा है। इस बैच से बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लगे हुए। जो बच्चे प्रिपरेशन में नहीं लगे हैं, तैयारी में नहीं लगे हैं, तैयारी में लग जाइए, मेहनत करिए, क्योंकि इसमें भी आपको मैथ्स रीजनिंग पढ़ाया जा रहा है, जीएस पढ़ाया जा रहा है, हिंदी पढ़ाया जा रहा है, सब्जेक्ट आपका इधर से भी क्या है पूरा होता ही रहेगा। तो सारे बच्चे जो नहीं अभी तक फॉर्म भरे हैं, पहले तो आप लोग फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट पे फॉर्म भरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और इस बैच से जुड़ के पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। बैच की फी 250 रुपए है, बहुत ही कम है, और ये मंथली फी नहीं है। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर ये मंथली फी है क्या, मंथली फी नहीं है, आपको वन टाइम पेमेंट 250 करना है, पूरी कोर्स उसमें आपकी कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। हाँ, ऑफर की डेट बढ़ा दी गई है आप लोगों के लिए, 12 अप्रैल तक ये ऑफर कर दिया गया है, तो सारे बच्चे जुड़ के ऑफर का भी लाभ उठाइए, और इससे भी आप लोग फॉर्म भर के क्लासेस को कंटिन्यू करिए, सिलेक्शन को पक्का करिए। और देखिए मेहनत करना स्टार्ट कर दिए, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, आज के समय अगर आप मेहनत करते हैं तो थोड़ा बहुत कम मेहनत करना पड़े, आने वाले टाइम में अगर आज मेहनत नहीं किए तो आने वाले टाइम में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो आप लोग मेहनत से पीछे मत हटिए, ठीक है, मेहनत करिए, सिलेक्शन लीजिए, पढ़ाई करिए। कोई डाउट है तो बताइए। सर कोरोना के लिए एज में छूट मिलेगा क्या, इसके बारे में तो अभी कोई जानकारी नहीं है, कुछ जानकारी जैसे होगी हम आपको बताएंगे, ठीक है। हाइट कितनी चाहिए, देखिए एसएससी जीडी वाला नोटिफिकेशन आप लोग एक बार हम बताए हैं, देख लीजिएगा, उसमें हाइट चेस्ट वगैरह ये सब बताए हैं। अगर एसएससी के तो द्वारा ये वैकेंसी कराई जाती है, इसमें लिखा भी है कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाएगी, तो वही रहने वाला है जो उसमें हाइट चेस्ट वेट आपका जो होता है, जो फिजिकल होता है, जो सब्जेक्ट होता है। तो जीडी की ये वैकेंसी आपकी है, सीआरपीएफ के थ्रू है, तो देखा जाए तो बेहतरीन आप लोगों के लिए एक शानदार मौका है। 1,30,000 बहुत ही पद होता है, कम नहीं होता है, पढ़ने वालों के लिए कम भी ज्यादा लगता है, बस आप लोग पढ़ाई करिए और सिलेक्शन को अपने सुनिश्चित करिए। तो सारे जितने भी स्टूडेंट हैं, आज के इस सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, घर में छोटे भाई बहन दोस्त जो भी है उन्हें भी बता दीजिए पढ़ाई स्टार्ट कर दे, क्योंकि पढ़ाई से ही नौकरी मिलना है, ऐसे नौकरी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो पढ़ाई करिए, अच्छे से क्लास को ज्वाइन करिए, आज के इस सेशन को आप लोग शेयर जरूर करिए, लाइक भी करिए, चैनल पर जितने भी नए स्टूडेंट है सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि जो ही आप लोगों के लिए जैसी भी नोटिफिकेशन होती है या क्लास होता है उसके लिए हम आप लोगों को जानकारी देते रहेंगे समय समय पर, ठीक है। चलिए फॉर्म कब भरेंगे, इसके लिए देखिए फॉर्म के लिए अभी ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि 1,30,000 की वैकेंसी आने वाली है, फॉर्म भी बहुत जल्द आ जाएंगे उसके लिए, ठीक है। तो बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे फॉर्म आएगा तब तैयारी करेंगे, ना, तैयारी में लग जाइए, ठीक है। फॉर्म आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, ये होगा वो होगा, नहीं, पढ़ाई करिए, मैथ रीजनिंग जीएस हिंदी ये इंग्लिश आप लोग पढ़िए, पढ़ाई करिए, पढ़ाई बेकार नहीं जाएगा। हाँ, जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं टेक्निकल ट्रेडमैन एग्जाम के लिए, उनके लिए तो बैच चल रहा है, बैच पढ़ लेंगे, ये बैच पढ़ लेंगे तो आने वाले वैकेंसी के लिए भी काम आएगा, ठीक है। चलिए तो अच्छे से तैयारी करिए, मन लगा के पढ़िए। एग्जाम कब होगा इसका, ठीक है, सारी कुछ जानकारी बता देंगे आपको, एग्जाम कब होगा, कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या होगी, ठीक है। पढ़ाई करिए आप लोग, सारे बच्चे जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम पे रिप्लाई क्यों नहीं देते हैं सर, अच्छा इंस्टाग्राम काफी दिनों से हम देख नहीं रहे हैं, तो टाइम मिलता है तो आप लोगों के जो क्वेश्चन होंगे उसके रिप्लाई भी करेंगे, ठीक है। चलिए तो मन लगा कि आप लोग तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए और कोशिश करिए कि आपका समय जो है व्यर्थ का इधर उधर जा रहा है वो बर्बाद ना हो, और समय आपकी पढ़ाई में लगे, वो आपके ग्रोथ में लगे, वो आपके सफलता में लगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मन लगा के तैयारी करते रहिए। ये नोटिफिकेशन रहा तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं नोटिफिकेशन अच्छा लगा होगा, सुन के जाइए, जानकारी आपको बहुत ही खुशी मिली होगी, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, कल आप लोगों के लिए 8 बजे
मैथ्स की क्लास शेड्यूल करा रहे, कल 8 बजे आप लोगों के लिए मैथ्स होगी, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर लक्ष्य हो निश्चित तो तकदीर बदल जाती है, और मिल जाए सरकारी नौकरी तो जिंदगी संवर जाती है। आपके सफलता के मार्ग में आ रही बाधाओं को एक ओर करते हुए हम ले चलेंगे आपको सफलता के द्वार। तो सीआरपीएफ में अपनी 100% सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए ज्वाइन करें एसएससी मेकर का सीआरपीएफ स्पेशल बैच, जिसमें आपको अनुभवी अध्यापकों के माध्यम से सभी क्लासेस एकदम बेसिक से दी जाएंगी। तो अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करिए एसएससी मेकर का ऐप या दिए गए नंबर पे कॉल।